जैसी जैसी कोई नहीं। देख ले 9:15 टाइम से पहले पहुंचा दिया मैंने तेरे को। ऑफिस तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर तेरा कमरा भी बहुत अच्छा हो। चलो मामा आप लोग जाइए, मैं चली जाऊंगी। अरे रुक रुक, टीका तो करने दे, छोटा सा लगाना। What the? Watchman? ये चलो चलो। अरे भाई साहब ये कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह है, चलिए चलिए आगे लाइए यहाँ। नमस्ते जी। जैसी ये तेरी मैडम है, ये तेरे साथ काम करती है। मामा अभी आप लोग जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है मामा। अरे आजा अमृत आजा, जाने देना उसको, उसका आज पहला दिन है। चल क्या चाहिए? ऊपर जाना है, अरमान सर की नई सेक्रेटरी। आई कार्ड लाई हो क्या? अभी तो तुम ऊपर नहीं जा सकती। अरे लेकिन मुझे बोला ना ऊपर नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है, वहां जाके खड़े रहो, पूछ के आता हूं। तो परी ये है तुम्हारा नया ऑफिस, मेरा कहां वो भी तो आने वाली है। उसकी फिक्र तुम क्यों करती हो, वो है ही क्या चीज़। अरे उसकी कैसे फिक्र ना करूं, अरमान की चॉइस है तो ऑब्वियसली वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। कम ऑन परी, अरमान तुम्हें भी इंपॉर्टेंस देगा। मलिका अब तुम क्या करने वाली हो? मैं क्यों कुछ करूंगी, जो भी करेंगी मिस वालिया खुद ही करेंगी। मतलब वो जिस तरह की लड़की है, अरमान उसे 2 ही दिन में इरिटेट हो जाएगा। वार्निंग एंड देन डिसमिस। रेजिग्नेशन तो उसे देना ही पड़ेगा। तुम उसे कितनी अच्छी तरह जानती हो? बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं अरमान को जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बस देखती जाओ। Excuse me. मैं अरमान सर की सेक्रेटरी, मेरा रूम यही है और यही है तुम्हारा डेस्क। अगर जल्दी है तो सामान उठाकर उधर रख दो। नहीं जल्दी नहीं है, पर मैं सामान उठा देती हूँ। बाहर ही है, काम होता था यहाँ। अभी तक पुरुषोत्तम सर ने बनाया है गुलमोहर को, अब सब कुछ हल्का हो जाएगा। पापा जी कमरा भी अच्छा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देखो हनी, हम जॉब शेयर कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना कमरा और अपनी टेबल भी तुम्हारे साथ शेयर करूँ। अभी फिर मैं कहाँ? मुझे नहीं पता तुम कहाँ, तुम यहाँ नहीं। पहले अरमान सर से पूछ लेते हैं। अरमान से क्या पूछना है? कुछ पूछना है मुझसे? गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी जगह? नहीं नहीं ये तुम्हारी जगह नहीं है जन्नत। जसमीत सर। जसमीत, ये जगह परी की है। तुम्हारी जगह तेरे कमरे में, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? चाबी लग नहीं रही सर। अच्छा तुम साइड में बैठो। बल्ब जलाओ। बल्ब गया सर।
तुम तो दूसरा लगाओ ना और इस रूम की सफाई कराओ जल्दी। ये डैड का स्टोर रूम है ना, इसीलिए इतना सामान है, रह जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की अलमारी से फाइल्स मिलती है और तुम्हारी अलमारी से ये फूल मलिका को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? परी आज ही बेल आ गई होगी, उसे सॉर्ट आउट करो और मेरी टेबल पर रखो, जाओ। जसपाल। जसमीत सर। जसमीत, इस ऑफिस में दो सेक्रेटरीज की जगह नहीं है, बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस हाँ, साफ बुझाने के बाद ये जगह इतनी बुरी नहीं लगेगी। और फिर सोचो तो तुम्हें आपको डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा, राइट? ऑफिस तो तेरा अच्छा है जस्सी, मतलब तेरा कमरा भी अच्छा होगा। Hi. Hey Maria, kya tagri ho? Thanks Raj. Hi. Hello. Veena, hi. Raj. Hi. Tum ro rahi ho? Are main wapas aa gaya hu na yaar. Shaam ko milte hain, okay? Relax. Arman bahut bura hai Raj. Are yaar, lekin main to acha hu na. Us Marika se shaadi kyun kar raha hai Raj? अरमान शादी कर रहा है? मुझे मालूम है राज, पर क्यों? मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा, इनफैक्ट मैं अभी उसी से बात करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो अपना दुख बांट सकती हो आज शाम को मेरे साथ। ओके, कितने बजे? हाय। वैसे मैं अरमान को बुला लूँगा, शायद तुम्हें देख के वो शादी का प्लान ही ड्रॉप कर दे, है ना? तुम कितने अच्छे हो। आज मालूम पड़ा तुम्हें यार, कमाल है। पास हो यार। सात बजे मैंने दोनों को क्यों बुला दिया? एनीवे, एक को अरमान हैंडल करेगा और एक को मैं। फिलहाल मुझे अरमान के सर से शादी का भूत बताना पड़ेगा। सुषमा, थूक तो ऐसी ना थी। परी परी, मैं यही सोच रहा था कि मैं पुरुषोत्तम अंकल के ऑफिस में रोज आता था, लेकिन आज तक मैंने सुषमा की लेग्स को इस तरह नहीं देखा। वैसे तुम्हारी लेग्स यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं इस वक्त अपने बॉस के बेस्ट फ्रेंड को एंटरटेन कर रही हूँ। तुम अरमान की नई सेक्रेटरी हो? चेयरमैन बनने के बाद अरमान ने पहला सही काम किया, तुम्हें पता? उसकी अकलमंदी पे मुझे शक होने लगा था। क्यों? अरे शादी के अनाउंसमेंट शॉकिंग, वो है कहाँ? मुझसे बात करूँगा। अंदर है, प्लीज जा। जाओ। वैसे मैं तुम्हारे बॉस का बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस नाते से तो मैं तुम्हारे काफी करीब आ गया ना। राज, मेरे साथ फ्लर्ट करने में अपना टाइम मत वेस्ट करो, अभी तो तुम्हें एक और धक्का सहना है। अंदर जाओ, जल्दी जाओ। कोई लड़की है क्या? शायद। पहले क्यों नहीं बोला? आज मेरे यार की शादी है ये, आज मेरे यार की शादी है ये, आज इस गधे की बर्बादी है ये। जोकर ये। अरे आज जोकर तो दुनिया को हंसाता है, लेकिन तू सबको रुला रहा है यार। अच्छा, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं है। अरे मेरी नहीं, टीना और नीना की आंख में देख, आंसुओं की नदियां हैं। दिल में दर्द है, सीने में जलन है यार। तो उन्हें किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाता? अरे उनके लिए डॉक्टर राज है, लेकिन तू अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है यार? मतलब ये कि शादी और तू शादी क्यों करना चाहता है? वो तो हो गया, अब इसमें डिस्कशन करने की गुंजाइश भी नहीं। फिर भी यार, मलिका और तू किसे बेवकूफ बना रहा है तू, उसे या अपने आप को? तुझे क्या लगता है, सब लोग तेरी तरह होते हैं? सोच रहा सेटल हो जा, अब इस कंपनी का चेयरमैन तो मैं हूं। ओ तो ये बिजनेस मूव है, और शादी के कार्ड पे ये छपेगा
पार्टनर वेड्स चेयरमैन, क्या कार्ड है, वेरी गुड। कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान को करनी पड़ती है। मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। क्या? वही जो तुम्हारी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स तुम्हारे साथ इस वक्त करना चाहती हैं। अरे छोड़ो वाली, तो ये मार दूंगा मैं यार। तू क्या कर रहा है, शादी करेगा तो पागल है तू? मार दूंगा। रुको तुम, यहीं से छोड़ दो, मैंने ये मिसाइल। जसमीत, बात नीचे रखो। ये राज है, इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और मेरा दोस्त। वो आई कार्ड बनवाना है। ओके, जाओ। ये क्या थी? कौन थी? ये मेरी दूसरी सेक्रेटरी थी। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा कुछ और किया हो तो मुझे बता दे, मैं एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कार्ड बनवाना जसमीत वालिया, शाम तक बन जाएगा। तुम अपना आई कार्ड क्यों बनवा रही हो? हाँ, तुम्हें वैसे भी दो दिन में नौकरी छोड़नी है। डोंट वेस्ट दैट टाइम। ये लो मेरा आई कार्ड बनाओ फास्ट। कार्ड तो तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन फास्ट से क्या मतलब? फास्ट का मतलब जल्दी। मैं चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ। वो तो हम जानते हैं। देखो, सबका कार्ड बनने में जितना टाइम लगता है उतना तुम्हारे में भी लगेगा। एक हफ्ता। इसमें तो चॉकलेट लग गई। What? अब क्या होगा? दूसरी है? नहीं। अब ठीक है ना, वैसे ही वॉचमैन ही तो देखता है आईडी। It's okay. तैयार हो जाए तो चेयरमैन के ऑफिस में भिजवा देना। ओके? एक हफ्ता लगेगा। तुम जाओ, मैं पियून के हाथ भिजवा दूंगी। तुम तो बड़ी दयालु निकली, भूल गए इसकी वजह से सारे पैसे हार गए थे हम। अरे हम तो सिर्फ पैसे हारे हैं, ये तो पैदाइशी हारी हुई है। देख फोटो देख। नहीं नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। तो फिर कितनी बुरी है? अब ब्यूटी क्वीन नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, दिमाग वाली है। तुझे कोई मैथ्स का एग्जाम देना है या तो ऐसी लड़की रख रहा है? फैशन हाउस है, कम से कम अपना नहीं तो फैशन हाउस की इमेज को तो ध्यान रख। यार मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का, पहले सोचता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ। ओ तो फिर क्या सोच के तू मल्लिका से शादी कर रहा है? मैं चाहता हूँ उसे। बिना शादी के भी तू उसे चाह सकता है। इनफैक्ट अगर तू कुंवारा रहा तो एक नहीं काफी सारी लड़कियों को चाह सकता है। तुझे हमेशा सिर्फ लड़कियां ही दिखती हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है यार? लड़कियां हमारी रोजी रोटी हैं। तू कंपनी का चेयरमैन है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। भाई अगर लड़कियां हमारे कपड़े नहीं खरीदेंगी तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी यार। अच्छा राज, अब तू जाओ कुछ काम करो, मुझे भी करने दे। तुझे काम करने की क्या जरूरत है यार, तेरे पास होनर सेक्रेटरी है ना, काम तो मुझे गधों को करना पड़ता है यार। अच्छा अब देखना, एक ऑडिशन है, इतनी सारी मॉडल्स आ रही हैं, उनमें से कुछ को चुनना है मैंने यार। क्या कलेक्शन है? स्विमवेयर। क्या? क्यों? मिस्टर मैरिड मैन चलेगा साथ में? तुझे यहाँ से निकालो। यार तो भी सुन ले, तू क्या कर रहा है? लेकिन इतना अच्छा लग रहा था। माय फॉल्ट। ऑफ कोर्स इट इज नॉट योर फॉल्ट। अरे ओह वाओ, थैंक यू मैथिली। हाँ तुम्हें तो पता है अरमान नया नया चेयरमैन बना है, उसे लगा उसे किसी की नजर न लग जाए तो नजर बट्टू अपने केबिन में बिठा देता हूँ। अरे बदल गया है अरमान, अभी तक तो वो लड़कियों को ऑफिस में नहीं अपनी गोद में बिठाता था वो। You know what? मुझे लगता है ये मल्लिका की चाल है, अब कम से कम ऑफिस में तो कोई खतरा नहीं होगा। यू नो रिमेंबर लास्ट टाइम? Oh, yes. तो ऐसे क्या फर्क पड़ेगा, अरमान तो मल्लिका से ही शादी करेगा ना। शादी करेगा और वो ये ना हो कि उनकी शादी के बाद गुलमोहर हाउस की सारी मॉडल चश्मेश और दांत बाहर। सुनो सुनो, सुना है कि पर्सनल सेक्रेटरी तो ये चश्मेश ही बनेगी, फिर हमारी परी का क्या होगा?
चेयरमैन के लिए पर्सनल सेक्रेटरी काम करने के लिए और दिखाने के लिए, और परी बैठेगी फ्रंट ऑफिस में और चश्मिश रहेगी कार कोठरी में बंद। सर, आपने बुलाया? हाँ बैठो। रुको रुको, बैठना नहीं, दो कप कॉफी लेकर आना प्लीज। अरमान, तुम कॉफी पियोगे ना? हाँ मैं कॉफी पीऊंगा। जसमीत तुम बैठो। पर ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अब जाओ कॉफी अरेंज करो। क्या? अपने टेबल से जाके इंटरकॉम पे ऑर्डर कर दो प्लीज। एक मिनट ना जसमीत, शक्कर कितनी लोगी? एक। तीन कॉफी पहले। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी हैं। परी, आज से तुम मेरी ऑफिशियल सेक्रेटरी हो। मेरे सारे ऑफिशियल कॉल्स, क्लाइंट्स और अपॉइंटमेंट्स तुम रिसीव करो। ये तुम्हारा काम। ये तो बहुत आसान है। और जसपाल तुम? जसमीत सर। जसमीत, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पर्सनल कॉल्स, मेरे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स, हर एक बिजनेस एडसेंट की मंथली रिपोर्ट लेना, फॉरेन क्लाइंट हैंडल करना, और इतना ही नहीं, इस कंपनी का बिजनेस प्लान और बजट भी तुम देखोगे। इज दैट क्लियर? अरमान, सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो तुमने इसे दे दी और मुझे ये? परी, ये सवाल करना तुम्हारा काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दी जाती है। अगर तुम इस नौकरी से खुश नहीं हो तो तुम जा सकती हो। अरे क्या कर रहा है यार, यहाँ पे धड़कन पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है और तू वहाँ पे ऊपर घुसा हुआ है। नीचे आता हूँ, आता हूँ। ओके लेडीज, मीटिंग इज ओवर। आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर, थैंक यू। इतना यकीन करने के लिए मैं आपको कभी गलत साबित नहीं होने दूंगी। ये क्या कर रही हो? जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।